अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक अनदर व्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ गोश्त लेने के लिए, क्योंकि शाकिर भाई वगैरह आने वाले हैं तो तैयारी करनी है। पहला काम गोश्त लेने जाना है, सामान वगैरह लेना है। थोड़ा बहुत सामान लेने के बाद बनाएंगे आज पुलाव। और फाइनली लुकमान भाई की दुकान में पहुँच गया मैं, और लुकमान भाई बोल रहे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आधा घंटे से वेट तो कर ही रहा हूँ मैं, क्योंकि मसला नहीं हुआ कि आपके भाई को है ना गोश्त बिना देते हैं, बहुत ख़राब गोश्त दे देते हैं, हड्डी और क्या बोलता है एकदम कचरा। तो मैंने इसलिए फैसला किया कि लुकमान भाई से गोश्त बुलवाएंगे। लुकमान भाई बता दें मतलब यानी कि बहुत अच्छा गोश्त लाते हैं, एक इब्राहिम भाई डावर और एक लुकमान भाई डावर सबसे अच्छा गोश्त लाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त वगैरह पक्का तो रेडी हो चुका है, और बहुत गजब वाली खुशबू चल रही है पूरे घर के अंदर। और शाकिर भाई भी आने वाले हैं, शायद आ गए हो, क्या पता। आ गए माशाल्लाह शाकिर भाई, खैरियत? हां अस्सलाम वालेकुम। ये माशाल्लाह ये क्या हाथ में चिड़ी है? चिड़ी? ये कौन सी चिड़ी भाई, पहली बार देख रहा हूं इसमें। माशाल्लाह क्या हुआ, क्या इसको तकलीफ है? रास्ते मिल गए हो तो मतलब रोड पे रोड पड़ी थी, एक्सीडेंट हो गया होगा, ऐसा लग रहा है मरने वाली है। लेकिन इसको पानी वानी पिलाते हैं, उसकी थोड़ी खातिरदारी करते हैं इसकी भी। और नासिर भाई भी आ गए, खैरियत नासिर भाई? कैसे रहा सफर? माशाल्लाह। और कैसे रहा सफर? अच्छा रहा सर। बच्चे वगैरह भी आए हुए हैं मिलने के लिए, और भी और देख सकते हो आप कितनी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। हाँ तो भाई इसका नाम जो है ना वो बुलबुल नाम है इसका, और इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है, फटाफट इसका ट्रीटमेंट चालू करते हैं हम। फाइनली फिलहाल अभी हम आ गए शॉपिंग करने के लिए, स्पेशल शाकिर भाई और आसिफ भाई आए हैं बच्चों के लिए कपड़े लेने के लिए। हम शॉपिंग करने के लिए देख ही रहे हैं कपड़े, अल्हम्दुलिल्लाह तीन तो हो गए, तीनों सेम ले लिए, मुबशा फातिमा जहरा और शाइन के लिए। ये तो शादी में देख लोगे आप, शादी के अंदर कैसे लगेंगे बच्चों के ऊपर कपड़े। और फिलहाल आया परसों ये वाले। दो घंटे बाद फिलहाल हमने शॉपिंग कर ली, इतने सारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे अभी बॉयज समेत बहुत सारी खरीदी बची, बॉयज से कुछ नहीं लिया है, बॉयज से बाकी है, अभी गर्ल्स से निपटाया खरीद हमने। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह सारी शॉपिंग वगैरह निपटाने के बाद शाम भी हो चुकी है फिलहाल, और शाकिर भाई वगैरह निकलने का टाइम, घर भी पहुँच गए, पानी वगैरह पिया, और उसके बाद में भी शाकिर भाई वगैरह जा रहे हैं सनावत। क्यों भाई जा रहे सनावत? चलो ठीक, दुआ में याद रखो बिल्कुल। नासिर भाई अल्लाह हाफिज़। अल्लाह चलो जाते हैं सनावत, तो बच्चे भी आए भाई मिलने, सब आ गए बेटा ठीक है ब्लॉग में। शाकिर भाई ने रस्ते में जो चिड़िया लेके आए थे काली चिड़ी और बुलबुल, तो उसका तो इंतकाल हो गया है, उसको अब दफन वगैरह कर देते हैं, देख सकते हो, क्योंकि उसको अंदरूनी चोट आ गई थी, मतलब तो कुछ भी नहीं हो पाया इसका, पानी वगैरह खिलाया लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, और इंतकाल हो गया, और उसको कहीं दफन कर देते हैं भाई। तो फिलहाल अभी टाइम हो चुका है 8, और अभी हम जा रहे हैं नानी के यहाँ। नानी के मतलब यानी कि बड़े मामू के यहाँ की आज दावत है और न्याज है, इंशाल्लाह आज वहाँ जाएंगे। और वैसे हमने चिड़िया को तो मतलब दफन कर दिया है साइड में ले आके, और चिड़िया वगैरह बहुत हो गई थी, वैसे बहुत ज़्यादा जानवर मर रहे आज। वैसे सनावत के अंदर नासिर भाई ने एक फ़ोटो को डाला था, वो फ़ोटो में दिखा देता आपको, मतलब इस तरह चिड़िया क्यों मर रही क्या पता, अल्लाह बेहतर जाने। और वैसे बच्चे भी जाने के लिए तैयार है, और ये है क्या नाम आपका? हम्मो। और यह नूरीन, और शाइन भी तैयार है, शाइन भी जा रहे हैं ना, शाइन भी जाएगी। चलो चलते हैं जल्दी से, शाइन मार रही है टप करके। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए बड़े मामू के यहाँ, फिलहाल चल रही है न्याज की, मतलब सब अल्हम्दुलिल्लाह खा रहे हैं, जब यह बच्चे भी खा रहे हैं, बच्चे बोल रहे थे ब्लॉग में आने का। ओके अब मामा जी खातिरदारी कर रहे हैं, हुसैन भाई भी कर रहे हैं, हसन भाई भी कर रहे हैं। हाँ भाई फिर डीजल तो ले लिया हमने, और डीजल मैंने पहली बार देखा है वैसे, ऐसा मतलब ग्रीन कलर का था। मम्मा पहले कभी देखा आपने? नहीं देखा, नहीं पहली बार देखा, जल्दी चलते फटाफट मामा खड़ा हो गया उसे। और भाई फाइनल फिर हमने डीजल तो लोड कर दिया, हम जुगाड़ करना पड़ा बाकी, पार्टल काट करके इसमें डाला हमने। हाँ तो फिर फाइनल पहुँच गए भाई हम घर, और अब सबसे पहले तो खाना स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह करके। वैसे आपके भाई को भूख तो नहीं है वैसे भी, नहीं खा लूँगा दो चार मंडे, मजाक कर रहा हूँ, दो चार मंडे नहीं, दो चार गिरा ले लेता हूँ फिर बाद में खा लूँगा मैं सोच रहा हूँ। यह भाई गोश्त वाला फुल लोडेड नहीं वाला, बिस्मिल्लाह करते हैं। किसने बनाया? किसने बनाया किसने? मोहम्मद अहसान। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना गोश्त। और फाइनली भाई खाना वाना पीना सब कुछ हो चुका है फिलहाल, और फिलहाल बेगम ने एक काम से लगा दिया मुझे, बोले कि मतलब एक यहाँ से लेना है मुझे बहुत सारे मैचिंग वगैरह कपड़े,
वो लेके टेलर को भी दे के आना है अभी जल्दी जाके। फिलहाल रात को बज रहे हैं 9:30। फाइनली फिलहाल बज चुके हैं सुबह के 11:30 और हम जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा नेक्स्ट ब्लॉग में। और बिल्कुल आज के ब्लॉग आपको कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब कमेंट करो और मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।